भारतीय सिनेमा के आइकॉनिक एक्टर्स में से एक धर्मेंद्र पाजी हाल ही में नाराज हो गए फुकरे रिटर्न्स की टीम से। जी हाँ, नमस्कार आदाब, मैं हूँ अभिषेक। आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। भाई धर्मेंद्र पाजी के गुस्से से उनकी फिल्मों में अच्छे खासे विलन भी डर जाया करते थे, लेकिन जनाब आजकल धर्मेंद्र पाजी थोड़े से नाराज चल रहे हैं फुकरे रिटर्न्स की टीम से। दरअसल हाल ही में फुकरे रिटर्न्स की टीम पहुंची अपने फिल्म के पहले गाने ओ मेरी महबूबा के म्यूजिक लॉन्च पर, लेकिन इस म्यूज में पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा यानी कि हनी और चूचा ने एक ग्रैंड एंट्री मारी। दरअसल दोनों घोड़े पर सवार आए और धर्म एंड वीर वाले गेटअप में आए। आपको याद है ना फिल्म धर्म और वीर, जितेंद्र धर्मेंद्र साहब, क्या कमाल का दोनों का गेटअप था। उसी गेटअप में पुलकित सम्राट और चूचा ने यानी कि वरुण शर्मा ने एंट्री मारी। हालांकि उनके इस गेटअप की वजह से लोगों का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हुआ, लेकिन धर्मेंद्र पाजी इस गेटअप को इस तरीके से लिए जाने पर थोड़े से खफा है। दरअसल फिल्म के इन दोनों एक्टर्स की ये एंट्री उनकी फिल्म के प्रमोशन की एक स्ट्रेटेजी थी। धर्मेंद्र पाजी की फिल्म धर्मवीर में उनका जो किरदार था, जो उनका गेटअप था, वो एक आइकॉनिक गेटअप कह सकते हैं। उसी गेटअप को धारण किया वरुण ने, लेकिन धर्मेंद्र पाजी साहब को जरा हजम नहीं हुआ। खबरों के मुताबिक धर्मेंद्र नाराज हैं इनकी ऐसी प्रमोशनल स्ट्रेटेजी की वजह से। लेकिन आपको बता दें कि हाल ही में रणवीर सिंह साहब ने भी एक मैगजीन के लिए मनोज कुमार वाली स्टाइल में पोज दिया था, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। लेकिन धर्मेंद्र को पसंद नहीं आया कि उनके स्टाइल में उनके गेटअप के साथ इस तरीके से कोई अपने फिल्म की प्रमोशन कर रहा है, चाहे अंदर की बात जो भी रही हो। वैसे आपको बता दें कि फुकरे रिटर्न्स की टीम अपने फिल्म के जिस गाने की म्यूजिक लॉन्च में पहुंची थी, वो गाना है ओ मेरी महबूबा, और वो गाना भी धर्मवीर फिल्म का ही रिमिक्स वर्जन है। बहरहाल फुकरे रिटर्न्स 2013 में आई फिल्म फुकरे की सीक्वल है, जिसमें आपको ऋचा चड्ढा दिखाई देंगी भोली के किरदार में। उनके अलावा अली फजल, मंजोत सिंह, पंकज त्रिपाठी, विशाखा सिंह और प्रिया आनंद भी हैं पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा के साथ। फिल्म का डायरेक्शन कर रहे हैं मृगदीप सिंह लांबा एंड इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं फरहान अख्तर एंड रितेश सिद्धवानी साहब। वैसे तो पहले खबर थी कि फिल्म 8 दिसंबर को रिलीज होगी, लेकिन नहीं, अब ये फिल्म रिलीज होने वाली है 15 दिसंबर को। फुकरे जो कि सुपर डुपर हिट फिल्म थी, लेकिन फिलहाल धर्मेंद्र पाजी तो नाराज है। फिल्मी बीट में इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फिल्मी बीट को।